आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे। इसे हमने अच्छे से धो के रख लिया है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है प्याज, आलू, हरी मिर्च और गाजर। गाजर हम इसमें डालते हैं, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और हरी धनिया और पीनट। हमने कढ़ाई पे तेल गरम करने के लिए रख दिया। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें मैं जीरा और सौंफ डाल दूँगी। अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, प्याज, आलू, हरी मिर्च और गाजर। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक हमारे आलू नहीं पक जाते हैं। साथ ही इसमें मैं पीनट भी ऐड कर देती हूँ कि वो अच्छे से पक जाए। आप पीनट को अलग से तल के भी ऊपर पोहे में डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको जैसा प्रेफरेबल हो आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे आलू पक चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पोहे ऐड करेंगे। मैंने इसमें पोहे और धनिया दोनों ऐड कर लिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने पोहे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर हमारे पोहे बन के रेडी है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे पोहे बन के रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।